एवरीवन, दिस इज़ काव्या। आज हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स। इस चैप्टर में हम इंडिया के डेवलपमेंट पाथ के बारे में पढ़ेंगे, चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेवलपमेंट पाथ के बारे में पढ़ेंगे, पाकिस्तान एंड इट्स डेवलपमेंट पाथ के बारे में पढ़ेंगे, हम डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, GDP एंड सेक्टर्स, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, लास्ट में इंडिया पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमीज़ की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ का कंपैरिजन करेंगे। इस चैप्टर में हम इंडिया और उसकी दो नेबरिंग कंट्रीज़ चाइना एंड पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे उनका उनके डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस को हम कंपेयर करेंगे, हम इस चैप्टर में देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, लेट अस टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ हैं उनमें कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। Agriculture, industrial and service sector. We know that the world has changed tremendously over the last 2 decades, and this economic growth has been made possible due to the technological advancement in all the 3 sectors. मतलब economy के जो तीनों जो sectors होते हैं, agriculture, industry and service, तीनों ही sectors में economic growth possible हो पाई क्यों? Due to the technological advancement. कल एडवांसमेंट कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर्स आल्सो। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? इट इज दैट प्रोसेस व्हिच कनेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ वन वर्ल्ड ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि द बाउंड्रीज बिटवीन द कंट्रीज वॉज इरेज्ड। द कंट्रीज फॉर्म सम रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स विच व सार्क, यूरोपियन यूनियन, ASEAN, G8, G20 एक्सेट्रा। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म कर लें। तो मैं यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स का नाम लिख देती हूँ, सार्क, यूरोपियन यूनियन, ASEAN, G8 एंड G20। अब जो बैकवर्ड नेशंस थे उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सक्सेस के पाथ पे थी उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स से सीखने की कोशिश की। सो दे ट्राइड टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़ इन द बैकवर्ड नेशंस सो दैट दे कैन ऑल्सो लीड टू द पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लास्ट 2 decades द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज शिफ्टेड टू एशिया। The countries like India, China, Singapore, Japan, they have made tremendous growth in all the sectors. In countries mein sabse zyada economic development hua hai. Jaise ki for example, is time India is leading in service sector. China is leading in manufacturing sector. And Japan is leading in innovation sector. तो हमने इस सेगमेंट में क्या देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। अब हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का डेवलप अब हम इंडिया के डेवलपमेंट पाथ के बारे में पढ़ेंगे।